से क्या है आपका प्रणय? जी, मेरा नाम देवेश सिंह उर्फ राजा बाबू है और मुझे यहाँ पे लोग राजा बाबू के नाम से ही जानते हैं, प्यार से मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। आप कहाँ से, ये जो शास्त्रीय संगीत आपने से कहाँ से प्रेरणा ली है आपने? शास्त्रीय संगीत जब मैं छोटा था तो बचपन से ही उस्ताद लोगों को और बड़े बड़े संगीताचार्य लोगों को, पंडित भीमसेन जोशी जी को, उस्ताद राशिद खान साहब को, इन लोगों को सुनते हुए मुझे बहुत प्रेरणा मिली और कहीं ना कहीं इनको सुन के ऐसा लगता था कि क्या मैं भी इस तरीके से गा सकता हूँ, मैं भी इस तरीके का आर्टिस्ट बन सकता हूँ। तो सुनता रहा मैं इन लोगों को, जब भी मुझे रेडियो में, टीवी में, कहीं भी इनके गाने बजते थे तो मैं उधर अट्रैक्ट होता था। तो इनको सुनते ही मुझे, सुन सुन के मुझे प्रेरणा मिली और फिर मैं इसी फील्ड को मैंने चूज़ किया और इसमें कोशिश कर रहा हूँ। किसे श्रेय देना चाहते हैं इस लाइन में आने पे? इसका श्रेय तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को ही दूंगा। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आज भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे फैमिली में एज सच म्यूज़िक का कोई स्कोप नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट फिर भी मेरे फादर म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। स्टार्टिंग से ही उनको म्यूज़िक सीखने का शौक था बट फॉर सम रीज़न वो नहीं सीख पाए, तो मैं उनके इस कोशिश को, उनके इस एक्सपेक्टेशन पे मैं खरा उतर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। शायद मैं गलत ना हूँ तो मुझे लगता है कि बहू में से आप पहले आप एक ऐसे हैं जो बचपन से ही, बहुत कम उम्र से ही गायन विधि से आपने संपर्क किया, गाने लगे, स्टेज पर भी गाने लगे। कैसा लगा आपको इस मुकाम पे और पहले जैसे मुकाम पे आने पे? जी, जहाँ तक बात मुकाम की है, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि सच मैंने कोई बहुत बड़ा मुकाम पा लिया है। जो भी मैं कर रहा हूँ, जितना भी मुझे आता है, वो सिर्फ मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। कोशिश कर रहा हूँ मैं और मऊ में अगर आप कहें तो संगीत की प्रेरणा मुझे और संगीत जहाँ से मैंने शुरुआत की, तो मेरा हाथ पकड़ कर सिखाया यहाँ पंडित देवनाथ संगीत महाविद्यालय है मऊ में ही, पंडित गिरजा शंकर जी त्रिपाठी जी से मैंने सीखना शुरू किया और उन्होंने मुझे संगीत की शुरुआती तालीम दी। 3-4 वर्षों तक उन्होंने बड़े ही प्यार से, बड़े स्नेह से मुझे सिखाया। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ आप कह सकते हैं कि इन ऐसे गुरु से मुझे सीखने का मौका मिला और 3-4 वर्षों तक कुछ मैं उनसे सीखा। फिर उसके बाद मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया। लखनऊ में मैंने फिर बनारस घराने के बहुत ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ गायक गुरु पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी, जो कि अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया, उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की 2-3 वर्षों तक। आपने शास्त्रीय संगीत को ही चुना क्यों? शास्त्रीय संगीत को ही चुना क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जैसा मैंने आपको बताया कि छोटे पे ही, शुरुआत से ही इस गायन विधा के तरफ मेरा अट्रैक्शन रहा है और बचपन से मेरे कानों में वही संगीत ज़्यादा पड़ा, तो कहीं ना कहीं उसे सुनते सुनते मुझे उसी फील्ड में मुझे इंटरेस्ट हुआ और उनसे मैं प्रेरणा ली और इंस्पायर हुआ, तो इसलिए शास्त्रीय संगीत को ही मैंने चुना और उसी में मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कोई संगीत हो जो आपको बहुत ही प्यारा, वो हमें सुना दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको राग बिलास खानी तोड़ी में कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। Yeah.
ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे अगले अंक में। जनपद की लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।